ब्रह्मांड के साथ एक कैसे हो, हाउ टू बी वन विद द यूनिवर्स। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को कंप्लीटली खत्म कर दें। किस लेवल पर? साइकोलॉजिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक लेवल पर। जो आपका दिमाग के अंदर डेटा भरा हुआ है, उस डेटा से आप अपने आप को बिल्कुल भी रिलेट ना करें। यानी आपका मन चला गया, आपका मन खत्म हो गया, उसके बाद आप और आसपास की जितनी भी चीजें हैं ऑब्जेक्टिवली, फैक्चुअली, रियलिटी में ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड हो गया, दृष्टा और दृश्य एक ही हो गया सही में। क्योंकि जिन एलिमेंट से, जिन तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो सारे तत्व जो हैं वो बाहर भी मौजूद है। और अगर उसको भी हम देखेंगे निकाल कर, तो वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं। तुम भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हो, बाहर की चीजें भी उसी से बनी है। और उसको भी अगर हम जब छोटा करेंगे तो हम एनर्जी पाएंगे। वो एनर्जी बाहर भी है और तुम भी उस एनर्जी से बने हो। लेकिन इस चीज में, खासकर ह्यूमंस के साथ, उनका जो मन है, उनका जो माइंड है, वो इस चीज को बहुत मुश्किल कर देता है देखना और मानना। क्योंकि माइंड में बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं, बहुत सारी थ्योरीज भरी पड़ी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं माइंड में। पूरी जो हिस्ट्री है हमारी वो भरी पड़ी है। तो इसलिए हम अपना जो कंटेंट है, जो हमारा कॉन्शियसनेस का, उस कंटेंट को जब हम खाली नहीं करेंगे जब तक, तब तक हम यूनिवर्स के साथ एक वननेस में, एक सिंगुलैरिटी में नहीं आ पाएंगे। और आपको पता है, जब आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो, जब आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, तो फिर वो कहा गया है ना वेदों में, अहम ब्रह्मास्मि, उस चीज को आप रियलाइज कर पाते हो, उसका फील ले पाते हो, उसको टच कर पाते हो। तो जब आप अपने कंटेंट को, तुम्हारे जो कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है उसको खाली कर देते हो, उसके बाद तुम्हारी ये जो बायोलॉजिकल बॉडी बची हुई है और बाहर जो भी चीजें बची हुई है, एवरीथिंग इज वन, एक हो गया सब कुछ, कोई डिवीजन नहीं रहा, कोई अलगाव नहीं रहा, यूनिटी आ गई है। तो उस दौरान तुम्हारे अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है और उस मैक्सिमम एनर्जी से तुम बर्न कर सकते हो, उसको जला सकते हो, सारी एंजाइटी, सारे डिप्रेशन और सारी सफरिंग को, और हमेशा के लिए जॉयफुल हो सकते हो, हमेशा के लिए आनंदमय रह सकती हो। क्योंकि अब ना छोड़ने को कुछ बचा है, ना ही एक्सेप्ट करने को कुछ बचा है, क्योंकि तुम एक हो गई हो, पूरा एक यूनिटी बन गई है। अब उसका उसका भाग भी नहीं करा जा सकता। तो जब हम अपने कॉन्शियसनेस के कंटेंट को खाली करते हैं, ओनली देन इट्स पॉसिबल कि हम यूनिवर्स के साथ एक हो पाए, ब्रह्मांड के साथ एक हो पाए, पूरा ब्रह्मांड बन पाए और पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर मौजूद हो जाए, आ जाए, और हम उस ब्रह्मांड में मौजूद हो। दोनों चीजें अलग नहीं है। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और अफोर्ड कर सकते हैं मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में वीडियोस आ रही हैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स की, वो एम आई, मेडिटेशन क्या है, थॉट्स के बियॉन्ड क्या है, इन सारी चीजों पर इंक्वायरी होगी, इनसाइट लेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।